Hello everyone, welcome to E. Anant, and today we are going with another chapter, chapter number 7, Urban Administration. So in the previous chapter we have already studied about the rural administration. इसके पहले वाले chapter में हमने rural administration के बारे में जाना. इस chapter में हम लोग urban administration के बारे में जानेंगे. Urban का मतलब होता है शहरी, मतलब शहर के area में जो हमारी सरकार जो काम करती है, जो हमारी government जो भी अपना काम धाम करती है, वो किस तरीके से करती है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सो इन दिस ओवरव्यू बॉक्स यू कैन सी, यहाँ पे हमें बताया है कि अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट. कि अगर हम किसी शहर की बात करें तो जो शहर होते हैं वो गांव से बड़े होते हैं और काफी बड़े एरिया में फैले होते हैं. अ सिटी हैज क्राउडेड मार्केट्स, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल. गांव के कंपैरिजन में अगर हम सिटीज या शहरों को देखें तो यहाँ पे आपको बहुत भीड़ भाड़ वाले आपको बाजार देखने को मिलेंगे, आपको कई बसेस देखने को मिलेंगी, कार देखने को मिलेगी, ठीक है. आपको पानी की फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएंगी, अच्छी मिल जाएंगी. आपको बिजली की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी. आपको यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे. आपको सिटीज में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलेंगे. And have you ever wondered who is responsible for running all this? तो कभी आपने सोचा है क्या कि ये सब चीजों को जो इन सब चीजों को जो maintain करता है, इनका जो administration देखता है, इनका responsibility किसके under में? तो उसके बारे में इस chapter में जानेंगे. And do you know how decisions are made? तो ये decisions कैसे लिए जाते हैं and how the planning is done? तो देखते हैं planning वगैरह सब कैसे की जाती है. इस chapter में इन सब पे हमें बात करनी है. And who are the people who do all the work? Read this chapter and find some answer. तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इन सभी सवालों के जवाब को देखते हैं. तो हमेशा की तरह देखा है, जैसे कि आपने आज हमारी जो क्लास 6 में ज्यादातर चैप्टर है वो एक स्टोरी फॉर्मेट में हमको दी गए हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए. तो अनदर स्टोरी यहाँ पे हमको बताई गई है. चलिए इस स्टोरी से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं. तो यहाँ पे बताता है कि वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रिहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट. कि यहाँ पे कुछ दोस्तों की बात हुई है. संडे का दिन है, माला के कुछ दोस्त हैं शंकर, जहांगीर और रिहाना, ये सब अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं. उसके बाद शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज्ड टू गेट रिहाना आउट. और शंकर बढ़िया बॉल फेंकता है और जो रिहाना है वो लगभग आउट ही हो गई थी. एंड शी वॉज स्टिल प्लेइंग, और वो अभी भी खेल रही है. एंड फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच. फिर उसने क्या थोड़ा गुस्से में आके ऐसी बॉल फेंकी ताकि रिहाना जब उसे शॉर्ट करे तो ईजिली उसको कैच मिल जाए और रिहाना आउट हो जाए. लेकिन इंस्टेड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक. लेकिन रिहाना ने तो चौका छक्का ही मार दिया और जो स्ट्रीट लाइट थी, जो खंबे जो होते हैं हमारी गलियों में, जो खंबे रहते हैं जिन पे जो लाइट आपको देखने को मिलती है गलियों में, वो लाइट रिहाना ने तोड़ दी. एंड रिहाना चिल्लाती है, रिहाना स्क्रीम्ड ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन, ओ नहीं मैंने ये क्या कर दिया. शंकर सेड यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. और शंकर कहता है कि अरे हम एक चीज तो भूल ही गए कि हमने डिसाइड ही नहीं किया था कि अगर आपने लाइट वगैरह तोड़ दी तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे. तो यही बताया कि तो बच्चे हैं और इनको लाइट से ज्यादा चिंता अपने गेम की हो रही है. लेकिन फिर आगे बात होती है कि बट माला, जहांगीर एंड रिहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट. फिर माला, जहांगीर, रिहाना ने बोला कि ये बहुत चिंता करने लगे और शंकर को बोला अरे शंकर ये इतना टेंशन वाला बात हो गया है और आप विकेट की बात कर रहे हो. एंड लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मोसी विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड. और अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने निर्मला मोसी की खिड़की तोड़ दी थी, खिड़की का कांच तोड़ दिया था, तो उनको अपनी पॉकेट मनी से उनके वो नया कांच लगवा के देना पड़ा. तो इन लोगों को बड़ा टेंशन हो रहा है. एंड वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट. मतलब क्या उनको फिर से अपनी जेब से ही खर्चा देना पड़ेगा. एंड बट हु वुड द पे दिस टू. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था अगर देना भी पड़ेगा किसी को खर्चा पानी तो अब वो पैसा दें तो दे किसको. एंड टू हुम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग. और ये जो गलियों में जो लाइट लगी रहती है खंभों पर, तो ये लाइट किसको बिलोंग करती है. एंड हु चेंज देम, और कौन इनका देखभाल करता है, कौन इन्हें बदलता है. Then Rihanna's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. तो ये रिहाना का घर बहुत पास में था, तो फटाफट रिहाना के घर जाके रिहाना की माँ को पूरी बातें बताते हैं.
एंड देन रिहानास मदर सेड, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, कि मेरे को ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, बट बच्चों आई डू नो दैट इट इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट. तो जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, हर शहर में हमारी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, तो ये लाइट वगैरह का जो काम होता है और पूरा जो काम धाम जो होता है ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती है. फिर आगे बोलते हैं, उनकी माँ बोलती है कि द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला. तो कहता है अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप जाइए यास्मीन खाला से मिलिए. एंड शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और फॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो यास्मीन खाला रहती है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी और अब वो रिटायर हो चुकी हैं. एंड गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून. और कहती है रिहाना की माँ की फटाफट जाओ उनसे पता कर लो क्या करना होगा और जल्दी घर आ जाना. फिर यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रियानास मदर वर गुड फ्रेंड. तो यास्मीन खाला उसी लोकेलिटी में रहती थी, उसी गली में रहती थी. तो फटाफट ये सभी दोस्त लोग वहां जाके पहुंचते हैं. द चिल्ड्रन रन टू खाला's हाउस एंड व्हेन शी ओपन्ड द डोर दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड इट ऑल एट वंस. और जैसे ये लोग जैसे रिहाना और उसके दोस्त यास्मीन खाला जी के घर पहुंचते हैं तो ये फटाफट उनको बताने लगते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत तेज तेज बताने लगते हैं. फिर व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट यास्मीन खाला लॉफ्ड एंड सेड. तो जब वो स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछते हैं तो यास्मीन खाला को हंसी आ जाती है और वो कहती हैं देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, कि यहाँ पे कोई एक अकेला आदमी नहीं है जिसको आप पैसे दे सकते हैं. देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स गार्बेज कलेक्शन एंड वाटर सप्लाई कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन. तो एक बहुत बड़ी संस्था है और इसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं और ये पूरी चीज़ों का ध्यान रखती है जिसमें स्ट्रीट लाइट्स आ जाती हैं, गार्बेज कलेक्शन के बारे में पूरा इनको देखना पड़ता है, वाटर सप्लाई का पूरा काम इनके अंडर में होता है एंड कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, बाजार और रोड की सफाई वगैरह सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में होती है. आगे देखते हैं एंड फिर वो कहते हैं कि आई हैव हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया सेड माला. तो माला कहती है अरे हाँ मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा है, कहीं तो सुना है इसके बारे में और मैंने ना कहीं पे साइंस भी देखे हैं जहाँ पे मलेरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी. ठीक है, तो माला को इसके बारे में कुछ आइडिया है पहले से. तो वो बोलती हैं यस यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो. फिर यहाँ पे इस रेड एरिया में मैंने आपको बता दिया है कि द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही होती है जो ये इंश्योर करती है, इसकी पूरी ध्यान रखती है कि जो जिस भी शहर में लोग रह रहे तो उस शहर में क्या ना हो, कोई भी बीमारी ना फैले. एंड इट ऑल्सो रन स्कूल्स हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. और ये स्कूल्स को भी रन करती हैं और हॉस्पिटल को भी पूरा मेंटेन किया जाता है, डिस्पेंसरीज भी पूरी ये लोग मेंटेन करते हैं जो कि लाइक अ हॉस्पिटल आपको डिस्पेंसरीज जो थोड़ी छोटी होती हैं. एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम सेड यास्मीन खाला. तो यास्मीन खाला ने बताया ये गार्डन वगैरह को भी मेंटेन करते हैं, है ना. आगे बताते हैं कि देन शी एडेड अवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी. तो यहाँ पे ये बच्चे जिस जगह पे रहते हैं वो कौन सा शहर है, हम इस स्टोरी में जिस शहर की बात कर रहे हैं वो है पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस शहर है. एंड सो हेयर इट इज कॉल्ड अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और यहाँ पे बताया कि पुणे शहर में जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी ध्यान रखता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं. एंड इन स्मॉलर टाउन्स इट इज कॉल्ड अ म्युनिसिपल काउंसिल. मतलब देखिए हमारे भारत देश में अगर बड़े शहर हैं तो आपको वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी और अगर छोटे छोटे शहर हैं तो इन केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यू विल फाउंड देयर म्युनिसिपल काउंसिल. तो म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू एरिया हम ऐसा दो नाम से पुकारा जाता है इनको. फिर अब हम बात करते हैं द वार्ड काउंसिलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. तो वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो कामकाज वाला जो पूरा उनका ऑफिस में जितने भी लोग हैं स्टाफ है वो क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं. यास्मीन खाला आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो. Did you have to make interesting decisions like this when you worked in this municipal corporation? Asked Rihanna. तो रिहाना खाला से पूछती है कि हम बहुत इच्छुक हो रहे हैं, आप हमें बताइए कि ये सब चीजें कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्क कहाँ बनाना है और तरह तरह के decisions कैसे municipal corporation लेती है. आगे बताते हैं कि नो रिहाना आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स.
तो रिहाना को खाला उनकी कहती है कि बेटा मैं जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ काम करती थी तो मैं अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी, तो मैं फील्ड वर्क में नहीं थी, मतलब इनको नहीं पता उसके बारे में ज्यादा अच्छे से, इनका काम था सिर्फ लोगों की सैलरी वगैरह के बारे में काम करना, सैलरी वगैरह किसकी कितनी सैलरी है, किसको पैसा गया किसको नहीं गया, तो इनका काम तो इसमें था। एंड सिटीज आर यूजली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। और यहाँ पे बताते हैं कि जो सिटीज होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत तरह तरह के काम करने पड़ते हैं ताकि वो अपने शहर को साफ सुथरा रख पाए। आगे बोलते हैं कि द डिसीजन लाइक वेर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। और ये जो डिसीजन होते हैं कि किसी एरिया में किस जगह पार्क बनाना है, नया अस्पताल कहाँ बनाना है ना, तो ये जो भी डिसीजन होते हैं तो ये डिसीजन जो लेते हैं उनको बोला जाता है वार्ड काउंसलर्स। और जिनको आपने अक्सर अपनी लोकेलिटी में सुना होगा, आपके माता पिता अगर बात करते हैं, आपके मम्मी पापा, तो आपने सुना होगा एक शब्द पार्षद, है ना, कि आपके कॉलोनी का पार्षद कौन है, आपके एरिया का पार्षद कौन है। तो पार्षद इन द इन इंग्लिश पार्षद वी कॉल्ड वार्ड काउंसिलर, सो वार्ड काउंसिलर मीन्स पार्षद। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स टू गेट इलेक्टेड। तो जो सिटी होती है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइड रहती है, जैसा कि हमने पंचायती राज वाले सिस्टम में देखा था कि एक गांव में भी अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं और हर वार्ड में से एक आदमी को इलेक्ट किया जाता है जिसको पंच बोला करते थे, और एक सरपंच होता है जो पूरे गाँव में इलेक्ट किया जाता था। उसी तरह सिटीज में क्या होता है, सिटीज में भी बहुत सारे सेक्शन बना दिए जाते हैं एक शहर के, तो हर सेक्शन में आपको अलग अलग वार्ड्स जो हैं, इन अलग अलग वार्ड्स का एक काउंसिलर होगा, मतलब एक इनका पार्षद होगा जो इस पूरे अपने पूरे जो उनका जो वार्ड है उसकी देखभाल करेगा, और उनको भी हम लोग चुनाव में इलेक्ट करते हैं। एंड द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। और देखिए जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन हो जाएंगे तो उनको एक अकेला वार्ड काउंसिलर या फिर पार्षद मिलकर नहीं तय कर पाएगा, उसके लिए बहुत सारे वार्ड के वार्ड काउंसिलर मिलेंगे और वो एक कमिटी बनाएंगे। इस कमिटी में बहुत सारे वार्ड काउंसिलर बैठेंगे और इस कमिटी में वो लोग पूरा डीप डिस्कशन करेंगे कि क्या उनको डिसीजन लेना चाहिए, और वो आपस में डिबेट भी करेंगे, है ना। फिर आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली और देर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा। तो देखिए कितने तरह के यहाँ पे काम बताए कि आपको, मान लीजिए बस स्टैंड बनाना है, आपको एक मार्केट प्लेस है जो बहुत क्राउडेड हो गई उसको मेंटेन करना है ना, और वहां पे आपको कचरा साफ करवाना है, वहां पे अगर कचरा बहुत हो गया है तो, या फिर अगर कोई नाला बह रहा है कहीं से तो उसको कहाँ पे ड्रेन करवाना है और किस शहर के किस हिस्से से उस नाले को आपको लेके जाना है, एंड तरह तरह की सफाई आपको कैसे करनी है। तो ये इतने सारे डिसीजन जो होते हैं, एंड इट इज दिस कमिटीज फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। और हर तरह के काम के लिए कमेटी अलग से बना दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल शहर में पानी से रिलेटेड हर चीज के लिए कमेटी अलग कर देंगे, जिसका काम है शहर में कहाँ पे किस एरिया में पानी पहुंच रहा है, किस एरिया में पानी की दिक्कत हो गई है, किस एरिया में पाइपलाइन फूट गई है, ठीक है, किस एरिया में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इस कमेटी का काम है पानी की देखभाल करना, एंड सॉरी पानी से रिलेटेड कामों की देखभाल करना। फिर एक आपकी कमेटी बना देंगे जिसका काम रहेगा गार्बेज कलेक्शन का, मतलब आज भी हम देखते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे घर के सामने गाड़ी आती है गाना बजाती हुई और हम अपने घर का कचरा उसमें जाके डाल देते हैं, तो ये गार्बेज कलेक्शन का काम भी एक कमेटी बना दी जाती है कि शहर में किस एरिया से आपको कचरा उठाना है, कचरे को लेके किस एरिया में जाके डंप करना है। और उसी तरह स्ट्रीट लाइट जो होते हैं अलग अलग गलियों में, शहर में आपने स्ट्रीट लाइट देखी है तो स्ट्रीट लाइट की कमेटी होगी, तो हर तरह के काम की अलग अलग कमेटी बना दी जाती है। आगे देखा जाए, व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसिलर्स। तो अगर कोई प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर वार्ड में ही है तो जो वार्ड के जो जनता है वहां की जिस एरिया में जो जनता है वो किससे मिलने जाएगी, वो अपने ही वार्ड के काउंसिलर अपने ही पार्षद से मिलने जाएगी और अपनी प्रॉब्लम उनको बताएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मान लीजिए किसी खंबे में से तार टूट के, बिजली का कोई तार टूट के जमीन पे आके गिर गया है जो कि बहुत खतरा साबित हो सकता है, किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, तो उस एरिया के लोग जाएंगे अपने एरिया के वार्ड काउंसिलर के पास जिसको हम पार्षद कहते हैं, और पार्षद जी से बोलेंगे कि मैडम सर हमारे एरिया में देखिए यहाँ पे बिजली का वायर गिर गया है, आप प्लीज इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करके उसको सही करवा दीजिए, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती है। तो पार्षद इस तरीके से काम करेगा।
एंड वाइल द काउंसिलर्स कमिटीज एंड द काउंसिलर डिसाइड ऑन इश्यूज, और जब तक जैसे जो काउंसिलर की जो कमिटीज होती है और जो काउंसिलर्स होते हैं जब वो डिसाइड करते हैं किसी भी एक इशू पे, देन द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दीज, मतलब डिसीजंस लेने का काम कौन कर रहा है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जो कि पार्षद होते हैं अलग अलग वार्ड के, जिनको हम काउंसिलर कहते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेने वाला है, वो लेने वाला है द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दीज, मतलब इन ये जो कमिश्नर होता है ये एक IAS रैंक का ऑफिसर होता है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, ये एक एग्जाम को क्रैक करने के बाद इस पोस्ट पे पहुंचता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी जो हमारा एक हेड होता है उसको हम नहीं इलेक्ट करते, हम तो सिर्फ इलेक्ट करते हैं काउंसिलर्स को या फिर हमारे शहर के मेयर को। आगे बढ़ते हैं, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि उनको इलेक्ट नहीं करते, उनको चुनाव में नहीं जिताया जाता, उनको तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है क्योंकि वो एक एग्जाम क्रैक करने के बाद इस पोस्ट तक पहुंचते हैं। एंड काउंसिलर्स आर इलेक्टेड, और जितने भी काउंसिलर्स हैं, जितने भी वार्ड काउंसिलर जिनको हम पार्षद कहते हैं, उन सबको चुनाव में जिताया जाता है। सो हाउ आर दिस डिसीजंस मेड, तो ये सारे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, सेड रिहाना, रिहाना ने ऐसा पूछा, हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, जो अपने जो उसके जो विचार है उनको कभी रोकने नहीं देती, जो भी उसके मन में आता है वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेती है। Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. So, जितने भी ward councillors होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह मिलते हैं और एक बजट तैयार कर लेते हैं कि हमको किस इशू पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ कहाँ शहर में किस जगह पे कितना पैसा खर्च करना है। And the ward councillor try and ensure that the particular demands of the ward are placed before the entire council. और जो ward councillor होते हैं वो ये भी ensure करते हैं कि जो particular demands होती है किसी भी ward की उनको पूरी council के सामने पेश किया जाए। मान लीजिए हमारे शहर में एक वार्ड नंबर 25 है, तो मान लीजिए वार्ड नंबर 25 का जो काउंसलर है उसके एरिया में पानी की दिक्कत है, तो जब भी सभी काउंसलर्स की मीटिंग होगी तो उनमें वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 50 तक जितने भी उस शहर में वार्ड बनाए गए हैं, तो उनमें वार्ड नंबर 25 वाला जो काउंसलर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी मीटिंग में बोले कि सर मेरे वार्ड में पानी की बड़ी दिक्कत है, हमें इसका कुछ करना होगा। तो इस तरीके से हमारी बातें जो होती हैं गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं वही लोग हमारी बातें गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं। एंड दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और उसके बाद फाइनली जो कमिश्नर हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं जिनको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, वो लोग फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि क्या करना है। ये सारी चीजें बताई गई यशमीन खाला के द्वारा बाकी बच्चों को, एंड यशमीन खाला एंड एंजॉइंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चन प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बताते हैं कि यशमीन खाला के रिटायर होने के बाद से कभी भी किसी बड़े व्यक्ति ने उनसे इन सब के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी, लेकिन आज इन बच्चों ने जब ये सब पूछा तो उनको भी अपने पुराने दिन याद आ गए और उनने उस मौके को फिर से जीना शुरू किया अपनी बातों में ही। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले देख लिया जाए कि हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। जैसे कि हमने देखा था कि हमने पंचायती राज वाले सिस्टम में हमने पंचायती राज का जो सिस्टम पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उसमें हमने देखा कि पंचायती राज में जो हमारी पंचायत है उसको पैसा कहाँ से मिल जाता, हमने देखा था गाँव से ही जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट कई बार हमें फंड प्रोवाइड करती है और कभी कभी डोनेशन भी मिल जाया करता है। अब देखते हैं शहर में जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको पैसा कहाँ से मिलता है। तो देखा जाए जरा यहाँ पे, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। तो इतनी सारी सर्विसेज जो हमारे शहर में चलती हैं, सफाई की, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्था जो होती हैं, काफी पैसा चाहिए इसके लिए। एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज, और जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अलग अलग जगह से इसके लिए पैसा इकट्ठा करके लाती है। एंड यहाँ पे बताया गया कि टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड, और इसमें जो गवर्नमेंट हमारी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसके लिए लोग क्या देते हैं, इसके लिए लोग एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी देते हैं जिसको बोलते हैं टैक्स, और यही टैक्स आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज करती है। एंड पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। अब देखिए जैसे जो लोग का शहर में घर है उनको अपने घर का भी टैक्स देना रहता है एवरी ईयर, एंड वो लोग पानी का यूज करते हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन तक सप्लाई करवा रहा है, तो उनको उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। एंड बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज होती है उन सबका क्या देना पड़ता है, लोगों को टैक्स देना पड़ता है। एंड द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, जितना बड़ा जिसका घर उतना ज्यादा उसका टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स
property taxes, however, form only 25-30% of the money that a municipal corporation earns. और बताते हैं कि municipal corporation, मान लीजिए जितनी भी 100% उसकी जो income होती है, जितना भी वो earn करती है हमारी municipal corporation, उसमें around 25-30% is only from the property taxes. Okay, जो property से जितना tax मिलता है, लोगों के घर के नाम पे जितना tax वसूला जाता है, उसी में 25-30% की municipal corporation की कमाई हो जाती है. And these are also taxes for and there are also taxes for education and other amenities. तो यहाँ पे education और उसके जैसे जो अलग अलग facilities और services होती है उनके लिए भी अलग अलग taxes देने रहते हैं. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. अगर आपका इस शहर में कोई होटल है तो आपको इस होटल का टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना होगा, है ना. अगर आपकी कोई दुकान है, then you also have to pay tax to the municipal corporation for the name of your shop. ठीक है. Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. ध्यान रखना, आप कभी भी मूवी देखने जाना तो आपकी जो मूवी की टिकट होती है आप उसमें ध्यान से पढ़ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इतना टैक्स आपका एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे वसूला गया. और ये टैक्स भी किसको जाएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर सिटी की. एंड दस वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस, अ मच वाइडर पॉपुलेशन पेज फॉर जनरल टैक्सेस. और जो रिच पीपल होते हैं वो जनरली प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं. मान लीजिए किसी के पास बहुत सारे घर हैं तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जनरल जो पॉपुलेशन होती है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, वो जनरली तरह तरह का टैक्स दिया करती है. आगे देखते हैं. तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि सेड यस्मिन खाला एंजॉयिंग द क्वेश्चन दैट द चिल्ड्रन आस्क्ड, नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रन क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज सम ऑफ हर एक्सपीरियंस. तो यस्मिन खाला बड़ी खुश है कि बड़े दिनों के बाद बच्चों ने उनसे उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सवाल किए. बड़े बड़े लोग तो उनसे कोई सवाल करते नहीं थे, कम से कम बच्चों ने उनको उनकी पुराने दिनों की याद दिला दी. आगे देखते हैं. बट द सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. लेकिन जो शहर होता है वो तो बहुत बड़ा होता है और शहर के लोगों की देखभाल करना एक बहुत बड़ा काम है. ठीक है. एंड डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स. और क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं? आस्क्ड शेखर क्यूरियसली. तो शेखर ने ऐसा सवाल पूछा यास्मीन खाला से. एंड ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर. और अभी तक तो वो अपने क्रिकेट मैच के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका है और उसका ओवर भी बचा हुआ तो वो भी वो भूल चुका है. अब वो पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर उसका ध्यान आ चुका है यहाँ पे. एंड यस दिस यस द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. और यस्मीन खाला फिर कहती हैं कि यहाँ जो हमारे शहरों में अलग अलग जो वर्क होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट दिए जाते हैं. पानी का डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट, बिजली का डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सफाई कर्मी जो होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा. And so there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, बगीचों के लिए भी देखभाल का डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा. And another to look after roads, और एक डिपार्टमेंट रोड के बारे में पूरा जानकारी रखेगा. I worked on accounts in the sanitation department. और यास्मीन खाला जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी वो था sanitation department. And also in the sanitation department यास्मीन खाला थी accounts section में. मतलब उनका काम था सिर्फ कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किसकी सैलरी आई, किसकी सैलरी नहीं आई, ये सब चीजों पे वो बात करती थी, इनका काम रहता था. Said यास्मीन खाला and then went on to offer the children some kebabs to eat. और यास्मीन खाला जाती हैं, थोड़े कबाब बना के ले आती हैं और बच्चों को कबाब खाने को देती हैं. And then Jahangir ate his kebabs at top speed and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? और हमारा जो जहांगीर रहता है वो बढ़िया कबाब खाता रहता है और कबाब खाते खाते किचन में से आवाज लगाता है यास्मीन खाला को. यास्मीन खाला बताइए कि जो हम कचड़ा वगैरह फेंकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कलेक्ट करके कहाँ लेके चली जाती है? तो फिर बताया गया है कि द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगन टू आंसर. सभी सब खाते रहते हैं और यास्मीन खाला इसका भी जवाब देती हैं. एंड दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर. ऐसा बोलती हैं यास्मीन खाला कि ये आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है. एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट. जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि आपके आसपास जगह जगह आपको कचरा देखने को मिल ही जाएगा. लेकिन अर्लियर इवन अवर नाइबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर. और पहले तो हमारा जो एरिया था, जो हमारा मोहल्ला था, उसमें भी आपको जगह जगह कचरा ही देखने को मिलता था. And if this remains uncollected, it attracts dogs, rats and flies. Also people get ill from the smell. और जब ये कचड़ा ऐसे ही पड़ा रहता था ना तो यहाँ पे जो गली के जो डॉग्स होते थे वो अट्रैक्ट हुआ करते थे. चूहे बहुत सारे आ जाते थे और मच्छर बहुत यहाँ पे पनपने लगते थे. इसके कारण लोगों को क्या होता था, कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था.
एट वन पॉइंट थिंग्स बिकेम सो बैड दैट चिल्ड्रन आर इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। और एक समय तो ऐसा भी आ गया था हमारे मोहल्ले में, कितनी गंदगी हो गई थी कि बच्चों ने गलियों में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था, बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे वुड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग, क्योंकि उनके घर वाले भी डरने लगे थे बच्चों के कि यार अगर इतनी गंदी रोड पे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, कोई भी खेल खेलेंगे, तो वो बीमार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी प्रोटेस्ट किया, अब यहाँ पे पूरी कम्युनिटी किसी चीज का विरोध करती है, तो इसके बारे में यास्मीन खाला उनको कोई स्टोरी बताने वाली है। चलिए देखते हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, यास्मीन खाला आगे बढ़ती हैं और बोलती हैं, द वुमन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। और जिस समय ये सब हो रहा था, शहर बहुत गंदा रहता था, इनका मोहल्ला भी बड़ा गंदा था, तो इनके मोहल्ले की सभी औरतें जो थी, जितनी भी महिलाएं थी, वो यास्मीन खाला के पास आई, क्योंकि यास्मीन खाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी, तो उन्होंने सोचा कि यास्मीन खाला से बात करना सही रहेगा कि आप हमको कोई एडवाइस दीजिए कि इतना सारा गंदगी जो इसका क्या किया जाए। तो यास्मीन खाला ने जवाब दिया था कि आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर से बात करती हूँ और देखती हूँ कि क्या स्टेप्स लिए जाती हैं, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं कह सकती कि कुछ होगा कि नहीं होगा। Then it was Gangabai who said that it is the ward counselor who should go to and protest since we are the ones who elected him. तो गंगाबाई नाम का एक वहां पे महिला रहती है, वो कहती है कि चलो हम चलते हैं अपने वार्ड काउंसिलर से, सबके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने तो उसको इलेक्ट किया है, तो हमने उसको इलेक्ट किया है तो क्या होगा, उसको हमें जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे फिर क्या कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उसके बारे में थोड़ा देखा जाए। So, यहाँ पे बताया है कि शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमन एंड वेंट टू हिज हाउस। तो गंगाबाई और ये सब मिलके महिलाओं लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया और अपने पार्षद के, अपने काउंसलर के घर पे जाते हैं, एंड दे बिगन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। उसके घर के सामने जाके नारे चिल्ला चोट करने लगते हैं, तो वो पार्षद और जो वार्ड काउंसिलर घर के बाहर आके कहते हैं भाई क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की क्या प्रॉब्लम है वो बताई पूरी अपने पार्षद को, अपने काउंसिलर को। ही प्रॉमिस टू गो टू विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। और पार्षद कहता है कि चलिए अगले दिन मैं आपके साथ कमिश्नर के पास बात करने चलूंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि वार्ड जो काउंसिलर होते हैं, ये भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी बात को गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं, है ना। और फाइनली जो काम तो करना है वो तो किसके अकॉर्डिंग होगा, अगर हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो कमिश्नर होता है, जो एक आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है, उसके अकॉर्डिंग होगा। एंड ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पेटिशन साइंड बाय ऑल ऑफ द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। और उनके पार्षद, उनके वार्ड काउंसलर ने बोला गंगाबाई को कि आप एक काम करो, सभी लोगों को जो भी आपके आपके मोहल्ले में रहते हैं उनको बोलो कि एक वो पेटिशन साइन कर दें, याचिका मतलब एक रिपोर्ट पूरी तैयार कर लें और सब उसमें साइन कर दें कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ कचरा नहीं उठाया जा रहा है और बहुत गंदगी हो गई है। And he suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. और उन्होंने बोला कि जो हमारा local sanitation सफाई करने वाला जो engineer है, पूरा जो सफाई व्यवस्था पूरी देखता है, उसको साथ लेके चलते हैं, काफी मदद मिलेगी। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. Sanitation engineer भी क्या करेगा, commissioner को अच्छे से समझाएगा कि कितनी बुरी स्थिति हो गई है हमारे मोहल्ले की, कितनी गंदगी हो गई है। That evening children ran from houses to house making sure that as many families as possible signed the petition. तो बच्चे भी बिल्कुल जाते हैं, भागते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, इस पेटिशन पे साइन करें उनके मोहल्ले के। The next morning, a large group of women and the ward counselor and the sanitation engineer went to the municipal corporation. अगले दिन तक municipal corporation पहुंचते हैं and the commissioner met with this large group and began giving excuses. तो commissioner जब इतने सारे लोगों को देखता है तो वो थोड़े बहाने बनाने लगता है, saying that the corporation did not have enough truck, कि हमारी जो municipal corporation उसके पास ज़्यादा truck नहीं है, इसलिए आपका कचरा नहीं उठा पा रहे हैं। But गंगाबाई ने बहुत बुद्धिमानी के साथ reply किया, but गंगाबाई smartly replied, but you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities. तो गंगाबाई ने बोल दिया, लेकिन अमीर जो मोहल्ले हैं वहाँ से तो आप पूरा कचरा उठा लेते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? That must have left him lost for words. Quipped Jahangir. तो बताते हैं कि जहांगीर कहता है कि अरे वाह मौसी, ऐसा हुआ क्या?
खाला को बोलते हैं, अरे भाई ऐसा हुआ क्या, मतलब फिर तो जो कमिश्नर है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया होगा। तो खाला कहते हैं यस ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इमीडिएटली ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई थ्रेटन्ड दैट इफ इट वाज नॉट डन इन 2 डेज अ लार्जर ग्रुप ऑफ वुमेन वुड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। और भैया गंगाबाई ने तो कमिश्नर को ये भी बोल दिया कि अगर 2 दिन में सफाई नहीं हुई तो वो और ज्यादा लोगों को लेके आके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने खड़े होकर धरना देंगी, प्रोटेस्ट करेंगे, चिल्ला चिल्लाएंगे, शोर करेंगे, अपनी बात रखेंगे। So did the streets get cleaned? Asked Rihanna, who never let things remain unfinished. So जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रिहाना है इस स्टोरी में, वो कभी भी कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ती, वो फटाफट पूछ लेती है कि यास्मीन खाला जल्दी बताइए फिर क्या होता है, खत्म कैसे होता है ये पूरा किस्सा। And well, not within the 2 days, and then after another large or more noisy protest, the sanitation services service in this locality become more regular. फिर यहाँ पे बताती है कि 2 दिन के अंदर तो नहीं, लेकिन देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ और ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद जो सैनिटेशन सर्विस थी लोकेलिटी में वो रेगुलर हो गई और रेगुलर डेली बेसिस पे उनके एरिया में कचड़े साफ करने वाली गाड़ी आने लगी थी और फिर सब कुछ सही हो गया। वाओ दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। तो ऐसे ही बताया गया कि बच्चे कहते हैं कि लगता है बॉलीवुड फिल्म की हैप्पी एंडिंग ही हुई है यहाँ पे पूरी। सेड माला हु ऑलरेडी बिगन इमेजिनिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ द गंगा बाई। तो यहाँ पे हमने स्टोरी तो देखा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ, इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें बताया कि व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड, कि खाला तो रिटायर हो चुकी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो अभी क्या क्या बदल चुका है। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक समय हुआ करता था कि जो म्युनिसिपल कमीशन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी तो उसका जितना भी काम होता था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किया करते थे। एंड अब जो समय आ चुका है, अब क्या हो रहा है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बांट दिया करते हैं। मान लीजिए कि एक समय था कि 1 महीने की अगर शहर की सफाई करवाते थे तो करीब 5 लाख रुपए का खर्चा आता था। अब पैसा बचाने के चक्कर में जो कमिश्नर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उनने क्या शुरू कर दिया, उन लोगों ने प्राइवेट लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं कि सर हम ना आपका महीने भर में सिर्फ 3 लाख रुपए में पूरा सफाई करवा देंगे, तो इससे पैसा भी बचेगा सरकार का। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं आजकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ज्यादातर जो काम है वो गवर्नमेंट के लोग ना करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो लोग कर रहे हैं। और इसको बोला जाता है द सब कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड दिस मींस दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। जो काम पहले कभी सरकारी कर्मचारी लोग करते थे आज वो प्राइवेट कंपनी काम कर रही है। और ऐसा भी बताते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं इनको सैलरी भी बड़ी कम दी जाती है और इनकी जो जॉब होती है वो टेम्परेरी होती है, इनको कभी भी जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है। और कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर डो नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इफ दे आर इंजर्ड व्हाइल वर्किंग। तो यही बताया कि वो कभी कभी अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते, कई बार उनको चोट चोट वगैरह लग जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, तो ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो वापस आगे बढ़ते हैं, हमने कहाँ तक देख लिया था, यहाँ तक हमने देख लिया था। एंड द चिल्ड्रन एंजॉयड हेयरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। तो जितने भी बच्चे थे उन्होंने गंगाबाई की जो भी स्टोरी सुनी कि किस तरीके से शहर की सफाई के लिए प्रोटेस्ट किया गया अपने मोहल्ले की सफाई के लिए और फाइनली लोगों को मना लिया, एंड दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला for answering their question, and then before they left Rihanna said, oh I have one last question khala, the 2 dustbin that we have at the home now are they also Gangabai's idea? तो कहती है ये जो हमारे घर के बाहर जो 2 dustbin रखे गया है गंगाबाई का आइडिया था। तो खाला कहती है, खाला बिगन लॉफिंग, नो नॉट रियली, ऐसा नहीं है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप अवर स्ट्रीट्स क्लीन। कि नहीं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये आइडिया है कि आप अपनी गलियों में डस्टबिन के 2 बाल्टी जैसे बड़े बड़े कंटेनर रखवा दीजिए ताकि आपका जो एरिया है लोकेलिटी है वो थोड़ा साफ सुथरी रहे। तो इस चैप्टर में मेनली हमने एक स्टोरी के माध्यम से जाना कि किसी भी शहर में किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन कौन से सेक्टर में कामकाज देखा करती है, सफाई हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, है ना। तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया होगा पूरा। और एट लास्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पे बताते हैं कि जो सिटी है सूरत, जो हमारा गुजरात में एक सिटी है, एक शहर है सूरत नाम का, 1994 में यहाँ पे एक बीमारी फैली थी, एक एपिडेमिक हुआ था जिसको प्लेग बोला जाता है, जो कि चूहों से फैलने वाली एक बीमारी होती है।
और यहाँ बताते हैं कि सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया, कि सूरत एक समय पे भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। एंड हाउस हो गए, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सब अभी अपना कचरा जो होता था वो बिल्कुल सड़क पे ही फेंक दिया करते थे, और स्वीपर लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था उस कचरे को साफ करना और उसको जहाँ पे डंप करते हैं कचरा वहाँ तक ले जाके फेंकना, और म्युनिसिपल काउंसिल भी जो थी वो गार्बेज को अच्छे से कलेक्ट नहीं करा करती थी। एंड इस कारण जो सिचुएशन हो गई वो इतनी गंदी हो गई कि वहाँ पे चूहे हो गए और मच्छर बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके से 1994 में सूरत में एक बीमारी फैल गई प्लेग नाम की, और काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्लेग फैल गया, और प्लेग कैसे फैला, हवा के जरिए फैला, एंड बहुत लोगों को बीमारी लगी प्लेग की और काफ़ी लोगों ने अपनी जान का नुकसान भी देखने को मिलता है। और ओवर 3 लाख डेजर्टेड द टाउन हो गई, 3 लाख लोगों ने तो फिर आपका शहर वगैरह भी बिल्कुल छोड़ दिया। दे स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्युनिसिपल काउंसिल कम्प्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी, और वो यही चाहते थे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे शहर को कम्प्लीटली साफ कर दें। और फिर आज बताते हैं कि आज की डेट में अगर हम सूरत की बात करें तो वो हमारे भारत की सबसे साफ शहरों में से एक साफ शहर में आता है, उसकी उसकी गिनती आती है, और सबसे नंबर वन पे तो आज भी जहाँ पे जैसे बुक हमें कह रही है कि चंडीगढ़ जो है आज भी भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। और अभी तो डाटा और अपडेट हो चुका है, तो आप इंटरनेट पे सर्च करिए कि आज के समय में हमारे भारत देश की सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है, तो ये आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। So please subscribe ENN for more such lectures, and thank you very much. Take care.